हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई माँ पहली बार प्रेग्नेंट बनती है और उसके गर्भ के अंदर जो भी बच्चा होता है तो उसको लेकर माँ के मन में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। उसी के साथ साथ वो कई बार ये सवाल अपने मन में लेकर बैठी रहती है कि हमारे बच्चे के साथ हमारे भावनात्मक संबंध कैसे होंगे, क्या मैं जो फील कर रही हूँ, मैं जो महसूस कर रही हूँ, वो मेरा बच्चा भी महसूस कर रहा होगा। अपनी आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप बड़ी ही आसानी से अपने अजन्मे बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध बना सकें। टिप नंबर 1 है गाना सुनाना। जी हाँ, 9 महीने तक जब भी आप अपने बच्चे को गर्भ के अंदर कैरी करती हैं तो आप पूरे 9 महीने तक अपने बच्चों को विशेष गाने सुना सकती हैं। ऐसा करने से बच्चों के साथ आप भावनात्मक संबंध बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। जब भी आप अपने बच्चे को गाने सुनाएंगी तो वो गर्भ के अंदर रहकर भी उस गाने को सुन सकता है, और जब भी उस बच्चे का जन्म होगा और वह कभी रोएगा और उस समय आप उस बच्चे को वही गाना सुनाएंगी तो वो रोना तुरंत बंद कर देगा। टिप नंबर 2 है मसाज। एक शोध से बात सामने आई है कि यदि गर्भवती महिला हल्के हल्के हाथों से अपने पेट पर मसाज करती है तो ऐसा करने से बच्चे को उस स्पर्श के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाती है, और इसीलिए जन्म के बाद भी वो अपनी माँ के पास ज्यादा रहता है क्योंकि वो अपने माँ के हाथों के स्पर्श को अच्छे तरीके से पहचानता है। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध बनाने के लिए। टिप नंबर 3, जब भी आप अकेले बैठे हो तो आप अपने बच्चे के साथ बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा सिली लगता है, लेकिन यदि आप गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हैं और आप एक बेबी कैरी कर रही हैं अपने अंदर, तो आप अकेले में बैठकर अपने बच्चे से बात कर सकती हैं। वो गर्भ के अंदर भले ही है लेकिन सारी बातें सुन सकता है, और हो सकता है कि आपकी किसी बात पर वो किक मारकर रिस्पॉन्स भी करे। टिप नंबर 4, किक का जवाब जरूर दें। जी हाँ, जब भी आपका बच्चा पेट के अंदर किक करता है तो वो कुछ कहने की कोशिश करता है, ऐसा कि बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। लेकिन यदि आपका बच्चा पेट के अंदर किक करता है तो आपको उसकी बात का जवाब जरूर देना चाहिए। कोई भी उससे बातचीत करिए या फिर उसे गाने सुनाइए, ऐसा करने से उसका मन गर्भ के अंदर भी लगा रहता है। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपके अजन्मे बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध बनाने में आपकी सहायता करेंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।